इस वीडियो में हम बात करेंगे गन्ने में लगने वाले टॉप बोरर कीट के बारे में। खासकर फागुन के महीने में जिन जिन लोगों ने गन्ने की फसल लगाई है उसमें यह कीट अधिक देखने को मिलता है। जब हमारी फसल 2 से 3 फुट की हो जाती है तब उसमें टॉप बोरर नाम का एक कीट लग जाता है, जिसे हम किसान भाई लोग सूढ़ी के नाम से भी जानते हैं। यह सूढ़ी गन्ने को सुखाना शुरू कर देती है। इस समय हमें कीटनाशक की बहुत ही आवश्यकता होती है क्योंकि यह रोग बहुत ही तेजी से फैलता रहता है। अब बात कर लेते हैं इसके लक्षण और इसके पहचान किस प्रकार से हम करेंगे। उत्तर भारत में यह गन्ने का प्रमुख हानिकारक कीट है जो अपने वर्ष भर में 5 पीढ़ियां पूरी कर लेता। इस कीट की मां चांदी जैसी सफेद दिखाई देती। मादा सलफ के उभानतर पर लाल या क्रिमसन लाल रंग का गुच्छ पाया जाता है। लार्वा इल्ली पत्ती की निचली सतह पर स्थित मध्य सिरा में बारीक सफेद सुरंग बनाता हुआ स्पंडल की ओर बढ़ता है। बाद में वही सुरंग लाल धारी के रूप में दिखाई देती है। लार्वा बिना खुली हुई पत्तियों को बेचता हुआ गन्ने की मध्य सिराओं की ओर बढ़ता रहता है। जब वह पत्ती खुलती है तो उन पत्तियों में एक रेखा छिद्र के रूप में दिखाई देती है, जिन्हें हम छिद्रा छिद्र कहते हैं। चौथी अवस्था का लार्वा मध्य सिरा की पत्ती को काटकर नष्ट कर देता है, जिससे हमारी आखिरी में खुलने वाली पत्ती मत्सार हो जाती है, यानी कि सूख जाती। ग्राउंड ग्रोथ अवस्था में मत्सार बनने के बाद पार्श्व में अनेक किले निकल आते हैं, जिससे हमारी फसल झाड़ूनुमा हो जाती है। इस रोग को बंची टाप रोग के नाम से भी जाना जाता है। अब बात करते हैं इसके प्रबंधन के बारे में। यांत्रिक नियंत्रण सामूहिक रूप से गर्मियों के महीने में मार्च और जून में चोटी बेधक के अन्य समूह को निकालकर नष्ट कर दें। कल्चर नियंत्रण शरदकालीन फसल में इस कीट का प्रकोप बहुत कम होता है। बात करते हैं रासायनिक नियंत्रण की। इस कीट की तृतीय पीढ़ी में कार्बोफ्लुरान 3G के 33 किलोग्राम दाने प्रति हेक्टेयर के हिसाब से जड़ों के पास डालें। प्रयोग के समय भूमि में पर्याप्त नमी होना आवश्यक है। यदि नमी ना हो तो कीटनाशक प्रयोग करने के बाद हल्की सी सिंचाई कर दें। कार्बोफ्लुरान के अलावा क्लोरोट्रोनिलिप्रोल यानी कि कोराजिन का भी छिड़काव कर सकते हैं। कोराजिन की मात्रा 375 ml को 1000 लीटर पानी में घोल बनाकर छिड़काव करें। अब बात करते हैं इसके जैविक नियंत्रण के बारे में। अंड परजीवियों में टेलियोमस स्पीसीज या ट्राइकोगामा जापोनिकम मुख्य है। इस परजीवी के 50,000 कीट प्रति हेक्टेयर के हिसाब से खेत में छोड़ें। इस परजीवी का प्रयोग 37 डिग्री सेल्सियस वातावरणीय तापमान के ऊपर ना करें। लार्वा परजीवी रहकर नोटस स्पीसीज स्ट्रेनोबेकॉन स्पीसीज लार्वा परजीवी है जिन्हें खेतों में संरक्षित किया जा सकता है। बैठक कीटों के लिए गंध पास या प्रकाश पुंजों का प्रयोग करें। ऐसा करने से वयस्क कीटों को नष्ट किया जा सकता है।